हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत है। आज की स्टोरी है जॉर्ज वाशिंगटन की, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और इस स्टोरी को पढ़ने में हम लोग एक और देखेंगे कि पास्ट टेंस में स्टोरी लिखी गई है तो पास्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं, तो स्टोरी के द्वारा ही हम लोग पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। विच US प्रेसिडेंट इज नोन एज द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? क्वेश्चन मार्क। देखिए, विच यहाँ पर क्या है, तो विच प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट नाउन है, US प्रेसिडेंट नाउन हुआ, विच हो गया एडजेक्टिव। तो विच US प्रेसिडेंट इज नोन, इच और भीतरी हो तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस का मीनिंग आता है, पैसिव वॉइस का सेंस जाता है। तो किस US प्रेसिडेंट को जाना जाता है, विच US प्रेसिडेंट इज नोन, अब जाना जाता है एज द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एज का मतलब होता है के रूप में, एज यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। तो किस US प्रेसिडेंट को जाना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के फादर के रूप में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो वन डिजर्व्स टाइटल द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोर देन जॉर्ज वाशिंगटन, कॉमा है, a highly respected hero of the American Revolution and one of the founders of the nation. चलिए, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, देखते हैं। No one deserves, कोई भी डिजर्व नहीं करता है टाइटल, किस टाइटल को डिजर्व नहीं करता है, द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो टाइटल क्या है, द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये टाइटल है। No one deserves more, ठीक है, अब इसको हम टाइटल को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। नो वन डिजर्व्स मोर देन जॉर्ज वाशिंगटन, कोई भी डिजर्व ज़्यादा नहीं करता है जॉर्ज वाशिंगटन से ज़्यादा डिजर्व नहीं करता है, किस चीज़ के लिए, तो इस टाइटल के लिए, द फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कॉमा आया, इनके बारे में जानकारी दी गई है, ए हाईली रिस्पेक्टेड हीरो ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द नेशन। अ हाईली रिस्पेक्टेड हीरो, एक काफ़ी प्रतिष्ठित हीरो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, और जो नेशन का जो बनाया गया, तो उन फाउंडर जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे, फाउंडर्स मतलब क्या होता है, संस्थापक, तो उन संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चलिए आगे आते हैं, ये सारा चीज़ पास्ट में है, यहाँ पर देखिए पास्ट में ही, चूँकि हम लोग पास्ट की घटनाओं की जिक्र कर रहे हैं। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज वन एमंग द लीडर्स हु यूनाइटेड द 13 कॉलोनीज एंड लीड द वार फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज वन एमंग द लीडर्स, जॉर्ज वाशिंगटन उन नेताओं में से एक थे, उन नेताओं में से एक थे, एमंग आ रहा है, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर बिटवीन क्यों नहीं आया, तो जब मोर देन टू सब्जेक्ट्स, टू थिंग्स की बात करते हैं या सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर एमंग आता है, बिटवीन नहीं आता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन उन नेताओं में से एक थे, अब लीडर्स हो गया, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लीडर्स के लिए आया है, हु यूनाइटेड द 13 कॉलोनीज, जिन्होंने 13 कॉलोनीज को क्या किया, 13 जो कॉलोनीज में बटा हुआ था अमेरिका, उसको यूनाइट किया और लीड द वार फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और लीड का पास्ट फॉर्म लेड होता है, और लीड द वार फॉर इंडिपेंडेंस, और उस वार का नेतृत्व किया, लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, तो लीड द वार फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम, और उन वार किससे था, तो ग्रेट ब्रिटेन से था। तो ये भी पास्ट है, एंड कंजंक्शन हो गया, हु यूनाइटेड एंड हु लीड, दोनों क्या है, हु यूनाइटेड और हु लेड,
दोनों पास्ट में है, जोड़ने का काम क्या कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल, ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपॉन रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, कॉमा है, ड्यूरिंग द लेटर डिकेट्स ऑफ द 18th century। चलिए अब ही किसके बारे में आया है, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल, वह इन कामों में भी सहायक थे, तो वह इसमें भी सहायक थे, किस में, ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है सहायक होना किसी चीज़ में। अब सहायक किस में है तो बता रहा है, तो देखिए इन इन के बाद जब भी वर्ब आता है तो उसका वी फॉर्म आता है, वी फोर वर्ब प्लस ing, इन बिल्डिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फ्रेमवर्क मतलब एक स्वरूप बनाने में, जो कि किस तरह का गवर्नमेंट का किस तरह का स्वरूप होगा और वो किस गवर्नमेंट कहाँ की होगी, तो फॉर द यूनाइटेड न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नए जो यूएसए का निर्माण हो रहा है उसकी गवर्नमेंट की स्वरूप कैसी होगी उसको बनाने में भी ये इनकी भूमिका थी, सहायक थे। और स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपॉन रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, तो एक गणराज, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, गणराज होता है, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, इंडिया भी एक रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक होने का सेंस क्या है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें चलेगी, जनता के द्वारा सरकार चुना जाएगा, तो ये सब रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स है। तो उन प्रिंसिपल्स पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और उसमें एक क्या थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, कॉमा है, ड्यूरिंग द लैटर डिकेट्स ऑफ द 18th century, 18वीं शताब्दी के बाद के सालों में, मतलब जो 18वीं सदी का जो अंतिम डिकेट्स था उसमें ये सब चीज़ें की गई थी। ही सेट एंडियरिंग प्रेसिडेंट्स फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग द टाइटल मिस्टर प्रेसिडेंट। ही सेट, सेट क्या है, V2 है, यहाँ पर पास्ट है, उन्होंने सेट किया, एंडियरिंग मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं जो किसी खास परिस्थिति के लिए एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस समय किया गया तो बाद में जब उसी तरह की स्थिति आ रही है तो उसी तरह की चीज़ें करनी है, तो वो क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जब उस तरह की स्थिति आएगी तो उसी तरह का काम करना है। तो उन्होंने यही किया, एंड्यूरिंग मतलब होता है चिरस्थाई, माने एक तरह से लंबे समय तक चलने वाला, परमानेंट जिसको बोल सकते हैं, एंड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट माने पूर्व की घटनाएँ, फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट सेट किए, मतलब कुछ ऐसी ट्रेंड सेट की जो कि फिर बाद में उन सारी चीज़ों को फॉलो किया गया, कॉमा है, इंक्लूडिंग द टाइटल मिस्टर प्रेसिडेंट, उसमें एक एक प्रेसिडेंट का जिक्र कर रहा है जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट। आप अमेरिका, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकन प्रेसिडेंट का सुनिएगा तो जो पत्रकार होते हैं या कोई भी उनका जो संबोधन होता है तो नाम से संबोधित नहीं किया जाता है, एक रेस्पेक्टेड टर्म आता है मिस्टर प्रेसिडेंट, तो ये मिस्टर प्रेसिडेंट कहने का जो सिलसिला है वो जॉर्ज वाशिंगटन के समय से स्टार्ट हुआ था। चलिए, बॉर्न इन ए प्लांटर फैमिली इन वर्जीनिया इन 1732। अब देखिए बॉर्न, यहाँ पर फिर कॉमा है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन वाज रेस्ड टू बिकम अ वेल मैनर्ड वर्जीनियन जेंटलमैन। चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि जब इस तरह का सेंटेंसेस आएगा और कॉमा दे के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, तो जॉर्ज वाशिंगटन वाज बॉर्न इन ए प्लांटर फैमिली इन वर्जीनिया इन 1732 कॉमा, ठीक है, तो जॉर्ज वाशिंगटन को उठा के हमको यहाँ पर रख देना है। कोई भी सेंटेंस हो अगर इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट बाद में दे रहा है, इसका मतलब कि ये जो वर्ब है उसका भी सब्जेक्ट यही है। तो जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म एक प्लांटर फैमिली में होता है, उद्यान में फल बगीचे वाले काम करने वाले थे या उनके मालिक थे, उस तरह के फैमिली, एक वेल टू डू फैमिली था, उस फैमिली में उनका जन्म हुआ था और इनका वर्जीनिया में जन्म हुआ था 1732 में। एंड जॉर्ज वाशिंगटन वाज रेज, रेज मतलब क्या होता है, पाला पोसा गया था,
और इस तरह से पाला पोसा गया था कि वो टू बिकम अ वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड मतलब क्या होता है, अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी, अच्छा चरित्र वाला आदमी, वर्जीनियन जेंटलमैन, वर्जीनिया का जो जेंटलमैन था उनको, मतलब कि वर्जीनियन जेंटलमैन का जो उस तरह का उस समय का जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, कि इस तरह की चीज़ें पर आप वेल मैनर्ड बोले जाते थे इन इन चीज़ों को फॉलो करने पर, तो उस तरह के वेल मैनर्ड इस तरह से पालन किया कि वो एक वेल मैनर्ड वर्जीनियन जेंटलमैन बने विथ ऑल द मॉरल वैल्यूज ऑफ द टाइम। तो उस समय के जो भी मॉरल वैल्यूज थे, जो भी नैतिकता थी, उस तरह के चीज़ों पर मॉरल वैल्यूज था उनके समय। अब आ जाते हैं, ही इवन सर्व्ड विद द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर्स। अब देखिए यहाँ पर इवन क्या है, इवन क्या है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस टर्म को, इस वर्ड को कुछ देर के लिए आप हटा दीजिए। ही सर्व्ड विद द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर्स, ये भी लिख सकता था राइटर, लेकिन यहाँ इवन लिखने का कुछ तो मकसद होगा। पहला चीज, ये आपको एडवर्ब है, एडवर्ब क्यों है, चूँकि ये वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है। अब इवन का यहाँ मीनिंग क्या है, तो इवन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि वो आदमी जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है वो पहले ब्रिटिश आर्मी में सर्व भी कर चुका है। तो एक आश्चर्य व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, इवन का यूज किया गया। जब भी वर्ब के आगे इवन लगा रहा है इसका मतलब है कि वो सरप्राइज्ड है, एक एडिशनल नॉलेज दे रहा है जिसको सुनकर आपको आश्चर्य, अरे ये काम भी ये किया था, तो इस तरह की चीज़ों के लिए इवन दे दिया जाता है। ही इवन सर्व्ड विद द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर्स, उन्होंने सर्विस दी थी ब्रिटिश आर्मी में, किस में, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन है, फ्रेंच और इंडियन वॉर्स के दरमियान इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया था। बाय 1775 तक, अब देखो यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान देना, दी कॉलोनीज वर अपसेट विद द ब्रिटिश एज, ध्यान देना, दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस। इसको दो टर्म हमको पढ़ना है, पहला यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद दूसरा यहाँ। द कॉलोनीज वर अपसेट विद द ब्रिटिश, कॉलोनीज जो हम लोग बात की थे 13 कॉलोनीज की, तो वो ब्रिटिश के साथ क्या थे, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपसेट थे, मतलब नाखुश थे उनसे। वर बेटू है यहाँ, अब देखो एज, तो वहाँ पर एज हम लोग पढ़े थे प्रीपोजिशन के रूप में, लेकिन यहाँ पर एज कंजंक्शन के रूप में आया है। अब बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि कौन कंजंक्शन है कौन प्रीपोजिशन है, तो कंजंक्शन का हम लोग बेसिक्स अगर आप लोग जानते होंगे तो कंजंक्शंस जोड़ने का काम करता है, प्रीपोजिशन का काम है रिलेशन इस्टेब्लिश करना। अब देखिए यहाँ पर एज, दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस, तो एज को थोड़ी देर के लिए बोल जाइए, दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, उनको हैड, अब बताइए यहाँ वर था यहाँ हैड है, एक ही सेंटेंस है ना दोनों। अब बताओ कि हैड, एक घटना अभी हुई और एक घटना ये हुई, अगर इधर से आप आ रहे हो तो पहले आपको ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, तो जो मोर पास्ट है, जो मोर पास्ट है, जो पहले घटना हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस घटना से पहले ये चीज़ हुआ था, दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस, उनको करना पड़ता था, हैड टू पे करना पड़ता था, चुकाना पड़ता था बहुत ज़्यादा टैक्सेस, बहुत ज़्यादा कर उनको देना पड़ता था। एज, अब यहाँ पर एज का मीनिंग क्या आएगा, तो एज जब कंजंक्शंस के रूप में आता है तो वो क्या करता है कि रीजन बताता है, कारण बताता है। तो द कॉलोनीज वर अपसेट विद द ब्रिटिश, कॉलोनीज अपसेट थे, क्यों थे, तो एज कारण बता रहा है कि दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, इनको ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था इसके लिए ये अपसेट थे। चलिए आ जाते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज प्रेजेंट एट द कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस, यहाँ रुक जाओ, हम लोग यही सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पढ़ना किस तरीके से है, लंबे लंबे सेंटेंस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए।
जॉर्ज वाशिंगटन वाज प्रेजेंट, उपस्थित थे कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस का जब मीटिंग होता था, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, समूह कॉन्टिनेंटल का, तो वहाँ पर वो उपस्थित होते, प्रेजेंट। वेन लीडर्स, वेन को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, मीनिंग लीडर्स केम टुगेदर टू डिस्कस व्हाट कुड बी डन। लीडर्स जमा होते थे, इकट्ठा होते थे, जमा होने के लिए आते थे, इकट्ठा होने के लिए आते थे, किस लिए? टू डिस्कस। तो डिस्कस क्या करते, तो व्हाट कुड बी डन। अब आपको लगा कि ये क्या है, तो कंफ्यूज मत होना थोड़ा। अब यहाँ पर व्हाट कुड बी डन के जगह पर अगर आपको लिखता कि टू डिस्कस स्ट्रेटजीज, तो आपको आसान लगता थोड़ा सा सुनने में कि हाँ स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाट कुड बी डन दे दिया, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे ये क्या आ गया, थोड़ा सा पटा लग रहा है। याद रहे मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट कुड बी डन, तो ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, मॉडल है, उसके बाद मित्री है। टू डिस्कस क्या किया जा सकता है, ये इकट्ठा होते थे, कब? वेन, वेन लीडर्स केम टुगेदर टू डिस्कस व्हाट कुड बी डन। लीडर्स साथ आते थे डिस्कस करने के लिए कि क्या किया जा सकता है। उस समय क्या करते थे, वाशिंगटन भी प्रेजेंट रहते थे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब आ गया ये, ए कॉलोनियल आर्मी वाज फॉर्म्ड टू फाइट द ब्रिटिश एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस ऑफ 1774, 1775 एंड 1776। एक कॉलोनियल आर्मी का गठन किया गया, वाज प्लस भी थ्री है, तो किया गया, किया गया किस लिए? टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिश से लड़ने के लिए, एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस ऑफ इतना 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 इतना, मतलब कि इतने 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 1774, 1775, 1776 में मीटिंग हुई कॉन्टिनेंटल कांग्रेसेस की, और उसमें ये डिसीजन किया गया क्या, एज ए रिजल्ट इस कांग्रेस की मीटिंग का ये रिजल्ट हुआ कि एक कॉलोनियल आर्मी का गठन किया गया टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को फाइट करने के लिए। अब आगे आते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन वाज आस्क्ड टू टेक द कमांड ऑफ द आर्मी। जॉर्ज वाशिंगटन वाज आस्क्ड, कहा गया क्या करने के लिए, टू टेक द कमांड ऑफ द आर्मी, आर्मी का कमांड लेने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। अब आगे आते हैं, ही मतलब क्या, जॉर्ज, He took command on July 3, 1775। उन्होंने कमांड लिया किसका, आर्मी का, कितने तारीख को, July 375 को। एंड क्या, यहाँ पर कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। दी वार लास्टेड फॉर 6 long years। वार कितने दिन चला, V2 है भी, लड़ाई चला 6 सालों तक, लंबा समय तक चला। एट द एंड ऑफ विच किसके लिए यहाँ पर आया है, वॉर के लिए, और उसके अंत में ही फोर्स द ब्रिटिश टू सरेंडर। ही मतलब कौन, जॉर्ज वाशिंगटन, ब्रिटिश को क्या किया, फोर्स किया, मजबूर कर दिया टू सरेंडर। कहाँ पर सरेंडर हुआ, इन यॉर्क टाउन, ब्रिटिश को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया यॉर्क टाउन में। अब कॉमा के साथ आ रहा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देगा, विथ सम हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच एलाइज, कुछ फ्रेंच एलाइज से कुछ मदद के साथ इस काम को उन्होंने किया। इन 1783 में द ब्रिटिश गेव अप देयर कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज। ब्रिटिश गेव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। तो दी ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोगों के लिए, वहाँ पर जो आर्मी थी, दी ब्रिटिश गेव अप देयर कंट्रोल, अपना नियंत्रण छोड़ दिया कॉलोनीज पर, हम लोग बात किए थे। एंड अब देखो यहाँ पर एक नया सेंटेंस फिर ऐड कर रहा है, कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अमेरिका बिकम अ फ्री कंट्री, और अमेरिका आज़ाद देश हो गया। 5 years later, 5 साल बाद, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड, फिर वाज प्लस भी तरी है तो पैसिव सेंस जाएगा, नया संविधान को क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। अब आगे आते हैं, वेन द टाइम केम टू इलेक्ट ए प्रेसिडेंट टू द न्यूली फॉर्म्ड नेशन,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ कॉमा है देखो, उसके बाद फिर एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वॉशिंगटन वॉज द मैन एवरीबडी ट्रस्टेड, दो सेंटेंसेस है कॉमा के साथ देखो, वेन जब दट, ये क्या है कंजंक्शन है ठीक है, इसको याद रखना है, द टाइम केम टू इलेक्ट, जब समय आया किस चीज़ के लिए, टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट कहाँ का प्रेसिडेंट, टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट टू द न्यूली फॉर्म्ड नेशन, नया गठित जो राष्ट्र था उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए टाइम केम, समय आया, और उस नेशन का नाम क्या था, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉमा है, जब समय आया, एक पूरा सेंटेंस यहाँ पर है, तो वॉशिंगटन वॉज द मैन एवरीबडी ट्रस्टेड, वॉशिंगटन वो आदमी थे हुम, यहाँ पर आ सकता था लेकिन नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेंस चला जाता है, एवरीबडी ट्रस्टेड, एवरीबडी ट्रस्टेड मतलब क्या, इनको सभी लोग जिस पर विश्वास करते थे, जॉर्ज वॉशिंगटन सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फॉर टू टर्म्स, जॉर्ज वॉशिंगटन क्या किया, भीटू है, सर्व किया एज यहाँ पर फिर क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में दो टर्म के लिए, फ्रॉम 1789 टू 1797, 1789 से 1797 तक दो टर्म के लिए इन्होंने सर्व किया, सेवाएं दी, किसके रूप में, एज मतलब राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लोग आगे भी क्लास डिस्कस करते रहेंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा।